हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम यहाँ से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे डेली के 20 वर्ड्स, चाहे वो एंटोनिम्स हों, चाहे वो सिनोनिम्स हों, एडियम्स एंड फ्रेजेस, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनको हम कंप्लीट करेंगे सीरीज वाइज। क्लियर है? अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हों तो टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएंगे। वो टेलीग्राम लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा सेंस्योर। तो सेंस्योर का मतलब होता है हमारा निंदा करना। सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। सेंस्योर मतलब निंदा करना। तो देखिए, इसका आप पूरा टाइम लीजिए, प्रॉपर आप सोचिए और मेरे साथ करते रहिए। और लास्ट में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है हमारा सेंस्योर। तो आपने सोच लिया होगा। देखिए, सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। उसी तरीके से हमारा क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्रिटिसाइज। अब देखिए, हमारा और भी वर्ड्स हैं, जैसे एप्रिसिएट। तो एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना। एब्यूज, एब्यूज मतलब होता है गाली देना। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। टाइम लीजिए आप प्रॉपर और करने की कोशिश करिए। तो देखिए, इसका हमारा राइट आंसर होगा इंडस्ट्रियस। इसका राइट आंसर होगा इंडस्ट्रियस। बाकी के वर्ड देख लीजिए। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, निष्क्रिय, मतलब जो शांत सा पड़ा हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज हो। क्लियर है? तेजस हो, ऊर्जावान हो, उसको हम बोलते हैं एनर्जेटिक। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। क्लियर है? चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारा कॉन्टम्पलेशन। कॉन्टम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन करना। कॉन्टम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन करना। अब देखिए, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ये लास्ट, मतलब यहाँ का नियरेस्ट वर्ड कौन सा है, सिनोनिम्स हमारा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डेलिबरेशन। इसका राइट आंसर है हमारा डेलिबरेशन। अब देखिए, कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन का मतलब होता है कि ध्यान करना। क्लियर है? ध्यान करना। नेक्स्ट है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है एक तरीके से अपने मन को शांत करना, मेडिटेट करना, शांत करना। एनर्जेटिक तो मैंने पहले बताया ही है आपको। तो यहाँ पे हमारा जो राइट होगा वो होगा डेलिबरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा एडुलेशन। तो एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी। तो देखिए, इसका हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? प्रॉपर टाइम लीजिए आप 2 सेकेंड का। तो इसका राइट आंसर है हमारा फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब भी होता है चापलूसी करना। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। अवधि का मतलब होता है समय, इस तरीके से। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब होता है बहस। आर्गुमेंट मतलब होता है बहस। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है हमारा संस्थान। इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्यूबर। क्यूबर का मतलब होता है कांपना। क्यूबर मतलब कांपना। तो देखिए, इसका हमारा सिनोनिम्स कौन सा होगा? प्रॉपर टाइम लीजिए आप अपना। सिनोनिम्स होगा इसका हमारा ट्रेम्बल। तो देखिए, क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ना। क्वेरल मतलब होता है झगड़ना। क्विकन का मतलब होता है सचेत करना। क्विकन का मतलब होता है सचेत करना। नेक्स्ट है बेवर। तो बेवर का मतलब होता है डगमगाना। बेब मतलब होता है डगमगाना, हिलना। उसी तरीके से बेवर का मतलब होता है डगमगाना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है हमारा इरिवेरेंस। इरिवेरेंस का मतलब होता है अपमान। इरिवेरेंस का मतलब होता है अपमान। प्रॉपर टाइम लीजिए इसका। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा हमारा डिसरिस्पेक्ट। इसका राइट आंसर है हमारा डिसरिस्पेक्ट। तो देखिए, क्रुएलिटी। क्रुएलिटी का मतलब होता है निर्दयता, मतलब जो हमारा निर्दयी व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है वेरिटी। वेरिटी का मतलब होता है सच्चाई। वेरिटी मतलब होता है सच्चाई। नेक्स्ट है रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। रिवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। क्लियर है? तो देखिए, इस तरीके से हम अपने वर्ड मीनिंग को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कोई भी वोकैब हो। इस तरीके से हम कंटिन्यूअसली करते चले जाएंगे और ये हमारा डेली का रूटीन होगा। और मेरा वीडियो आपको 4 o'clock डेली मिलेगा, 4 PM पे। नेक्स्ट है एमिकेबल। तो एमिकेबल का मतलब होता है स्नेहशील। स्नेहशील का मतलब होता है जो बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाए या फिर आपसे बहुत जल्दी घुल मिल जाए। क्लियर है? तो इसका हमारा सिनोनिम्स होगा, वो होगा हमारा फ्रेंडली। अब देखिए, पॉइजनस। तो पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। सेटिस्फाइंग मतलब होता है संतुष्ट। हार्टनिंग का मतलब होता है
हार्टनिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना, हार्टनिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना। नेक्स्ट है हमारा प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान। अब यहाँ पे प्रूडेंट का मतलब जो बुद्धिमान है ना, उसका सेंस होता है कि उसके अंदर कोई कला होना, आर्ट होना, ठीक है। तो इसका बताइए आप सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स होगा इसका हमारा स्किल्ड, क्लियर है, सिनोनिम्स इसका होगा स्किल्ड। अब देखिए बचे हुए वर्ड्स देख लेते हैं, ये है एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड मतलब होता है अनुभव, मतलब जिसे बहुत ज़्यादा अनुभव हो उसे हम बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड। क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब होता है हमारा अपराधी, क्रिमिनल मतलब होता है अपराधी। कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सचेत, कॉशियस मतलब सचेत। चलिए फिर नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा पैनेसिया, तो पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण, रामबाण का मतलब जो हर बीमारी में काम आए, रामबाण का मतलब जो हर बीमारी में काम आए, रामबाण औषधि यानी कि जो हर बीमारी में काम आए। तो देखिए इसका प्रॉपर टाइम लीजिए अपना कि इसका क्या आंसर होगा हमारा। देखिए डिसरिस्पेक्ट, क्रुएलिटी, क्योर ऑल, रिवरेंस। अब देखिए जो हर बीमारी में काम आए तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, क्योर ऑल, यानी कि इसका राइट आंसर है क्योर ऑल। बाकी के वर्ड देख लीजिए, क्रुएलिटी मतलब होता है निर्दयता, डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी का अपमान करना, और रिवरेंस का मतलब होता है हमारा श्रद्धा, रिवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा। नेक्स्ट है हमारा बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस का मतलब होता है हमारा भलाई, बेनिवोलेंस मतलब भलाई। अब देखिए यहाँ पे आप प्रॉपर टाइम लीजिए क्या हो सकता है, तो इसका हमारा आंसर होगा काइंडनेस, इसका आंसर होगा काइंडनेस। अब देखिए बाकी बचे हुए इल विल, तो इल विल का मतलब होता है हमारा बुरी भावना, किसी के लिए बुरी भावना होना उसको हम बोलते हैं इल विल। नेक्स्ट है हमारा मोरबिडिटी, तो मोरबिडिटी का मतलब होता है रोगी, रोगी की संख्या यानी कि रोगों की संख्या, किसी पर्सन में कितने रोगों की संख्या है, मतलब उसके अंदर कितने रोग लगे हुए हैं उसको हम बोलते हैं मोरबिडिटी। नेक्स्ट है विजिन, विजिन का मतलब होता है दृष्टि, विजिन मतलब दृष्टि। नेक्स्ट है हमारा विंडिक्टिव, तो विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, प्रतिशोधी का मतलब होता है जो बदला लेते हैं यानी कि बदला लेने वाला। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है हमारा रिवेंजफुल, इसका राइट आंसर होगा रिवेंजफुल। तो यहाँ से चेक कर लीजिए, ओपन, ओपन का मतलब होता है खुला, खुला होना। नेक्स्ट है हमारा वेंटिलेट, वेंटिलेट का मतलब होता है हवादार। रिकमेंड, रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते, देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑक्यूलेट, ओकल्ट, ओकल्ट का मतलब होता है रहस्यमय, ओकल्ट का मतलब होता है रहस्यमय। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रॉपर टाइम लीजिए आप, तो इसका राइट आंसर है हमारा सुपर नेचुरल, इसका राइट आंसर होगा सुपर नेचुरल यानी कि रहस्यमय और सुपर नेचुरल। बाकी बचे हुए वर्ड्स देख लीजिए, जैसे रिलीजियस, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, अननेचुरल मतलब होता है कृत्रिम, अननेचुरल मतलब होता है कृत्रिम। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट वर्ड मीनास, मीनास का मतलब होता है खतरा, मीनास मतलब होता है खतरा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका सिनोनिम्स है हमारा थ्रेट, इसका सिनोनिम्स होगा हमारा थ्रेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से निवेदन करना, किसी से निवेदन करना। प्रेयर मतलब प्रार्थना, कर्स मतलब शाप, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा डेलिनिएट, डेलिनिएट का मतलब होता है वर्णन करना, मतलब किसी चीज़ को समझाना, वर्णन करना या किसी चीज़ को समझाना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है हमारा पोल्ट्रे, इसका राइट आंसर होगा हमारा पोल्ट्रे, ठीक है। पोल्ट्री इसका राइट आंसर है। बाकी देख लीजिए एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार करना। आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब बहस करना। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब होता है किसी चीज़ को व्याख्या करना, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे डेलिनिएट का मतलब जो है ना, वर्णन करना, तो इसका सेंस यहाँ पे चित्रित करना भी हो सकता है, चित्रित करना, वर्णन करना या समझाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो पोल्ट्री लिखा हुआ है ना, इसका मतलब भी यही होता है, चित्रित करना, किसी चीज को चित्रों से समझाना, यानी कि चित्रों से समझाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना, एब्रोगेट मतलब निरस्त करना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एब्रोगेट मतलब निरस्त करना, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा एबोलिस। इसका राइट आंसर है एबोलिस। तो देखिए यहाँ पे इलोप, इलोप का मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना, इलोप मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना। नेक्स्ट है हमारा गेट क्रैश। गेट क्रैश का मतलब होता है गेट के पास जो दुर्घटना होती है उसको हम बोलते हैं गेट क्रैश। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉर्पिड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब होता है मूर्ख, टॉर्पिड मतलब होता है मूर्ख। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा स्टूपिड। इसका राइट आंसर होगा हमारा स्टूपिड। बाकी देखिए इनस्पिड। इनस्पिड का मतलब होता है फीका, इनस्पिड मतलब होता है फीका। और इनएक्टिव का मतलब होता है उदासीन, जो बिल्कुल मतलब उदासीन रहता हो। स्टूपिड मतलब बेवकूफ़ या मूर्ख होता ही है। और सेंसिटिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमांड। कमांड का मतलब होता है आदेश देना, कमांड का मतलब होता है आदेश देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा इंस्ट्रक्ट। इसका राइट आंसर है इंस्ट्रक्ट। तो देखिए लीड, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना, मैनेज मतलब होता है प्रबंध करना। और सुपरवाइज मतलब होता है देखभाल करना, सुपरवाइज का मतलब होता है देखभाल करना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉम। नॉम का मतलब होता है बौना, नॉम का मतलब होता है बौना। तो देख लीजिए इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा। आंसर इसका होगा ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब भी होता है बौना। अब देखिए एलियन। एलियन आपको पता है क्या होता है, जो मतलब बाहर से जो लोग आते हैं उनको हम बोलते हैं एलियन, दूसरे दूसरे प्लेनेट से। जाइंट, जाइंट मतलब होता है विशाल। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है पैदाइशी। नेक्स्ट होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब होता है जो हम धार्मिक स्नान होता है उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए इसका हमारा राइट आंसर होगा वॉशिंग। वॉशिंग की स्पेलिंग मिसपेल्ड है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं वॉशिंग, यानी कि ये होगा हमारा WASHING। क्लियर है, यहाँ पे देखिए वॉशिंग की स्पेलिंग होगी WASHING। ठीक है, तो एवोल्यूशन का मतलब होता है स्नान, तो इसका मतलब भी होगा क्या होगा, वॉशिंग यानी कि स्नान। नेक्स्ट है हमारा सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब होता है विजय पाना, सरमाउंट मतलब विजय पाना। अब देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ओवरकम। मतलब ओवरकम का मतलब होता है किसी के ऊपर विजय पा लेना। देखिए डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। सराउंड, सराउंड का मतलब होता है आसपास का जो एरिया होता है। कैप्चर, कैप्चर मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना, मतलब किसी को पकड़ना उसको बोलते हैं कैप्चर। तो इस तरीके से हमारे ये 20 सिनोनिम्स थे जिनको हमने कंप्लीट करा है। डेली हम इस तरीके से वर्ड्स मतलब प्रैक्टिस सेट आपके पास लेके आएंगे। इस तरीके के हम कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्लियर है, बने रहिए बस हमारे साथ, हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज आपको ईजिली मिल सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।